हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं हरा भरा मटर कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। मटर की सीजन है और हम लोग मटर का क्या बनाएं ऐसा सोचते हैं, तो आज हम मटर की रेसिपी हरा भरा कबाब लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फटाफट हम बनाना शुरू करते हैं। मटर का हरा भरा कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम मटर लिया है। ये फ्रेश मटर है, यानी कि छिलके से हमने मटर को निकाल के अच्छे से वाश कर लिया है। अब चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक मीडियम साइज का मिक्सर जार लिए हैं, उसमें अपने मटर को डाल देंगे। साथ में यहाँ पे हमने लिया है अदरक, लहसुन की कलियां जिसका हमने छिलका हटा रखा है, हरी मिर्च जिसके डंठल तोड़ रखे हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मटर में ही डाल देंगे, क्योंकि हमें सबकी दरदरा पेस्ट बनानी है। तो आप अपने तीखा के अनुसार मिर्च को एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे हम कुछ डालेंगे फ्रेश हरी धनिया, क्योंकि हमें हरा भरा कबाब बनाना है, तो इसमें जितना हो सके हम हरा हरा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब हम इसको एक बढ़िया सा दरदरा पेस्ट बना लेते हैं। आप देख सकते हैं, हमने मटर, मिर्च, लहसुन, अदरक का एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसी में डालेंगे 4 ब्रेड, जिसे हमें छोटे छोटे तोड़ के डालना है। आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। इसका काम यही है कि एक्स्ट्रा जो अपना मटर का मॉइस्चर है वो सोख लेगा। तो हम इसी के साथ इसे भी एक दो बार ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं, हमने ब्रेड को भी मटर के साथ पीस लिया है। तो आप चाहें तो अलग से ब्रेड क्रम्स डालें या इसी के साथ में पीस लें। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम कबाब पेस्ट में थोड़ा सा स्पाइसेस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। आपको जितना तीखा बनाना है उतना मिर्च डालिए। हम यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नमक डाल दीजिए। तो ध्यान रहे, आपको जब भी कबाब बनाना हो तभी नमक डालिए, क्योंकि आप प्लेट बनाएंगे तो उसमें पानी ज़्यादा छोड़ देता है। लास्ट में हम डाल रहे हैं गरम मसाला। इसमें हम डालेंगे बेसन, यानी कि चने का आटा। इससे क्या होता है, अच्छा सा बाइंडिंग होता है, अपनी टिक्की अच्छे से तैयार होती है। और थोड़ा सा हम अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे हल्का खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, तभी तो ये कबाब कहा जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे अमचूर पाउडर की जगह पे चाट मसाला ऐड कर लीजिए, बेसन की जगह पे आप कॉर्नफ्लोर डालिए। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम हाथ से ही मैश लेंगे। तो आराम आराम से हम इसे हाथ से मैशेंगे। हमने मटर में अच्छे से बेसन, ब्रेड डाल के और अच्छा सा डो तैयार किया है कबाब के लिए। अब हम छोटे छोटे बॉल्स लेंगे और इसे कबाब का शेप देंगे। तो आपको जितना बड़ा कबाब बनाना है उतना बड़ा शेप दीजिए, अलग अलग डिजाइन का बनाइए। ऐसे ही हम सभी कबाब तैयार कर लेंगे। गैस पे हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल, क्योंकि हमें इसे सेलो फ्राई करना होता है तो ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। तेल को हम सबसे पहले गरम कर लेंगे। तेल अपनी गरम हो चुकी है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा उसमें से धुआं जैसा आने लगा है। हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे अपना हरा भरा कबाब। तो आप देख सकते हैं, हमने कबाब को राउंड शेप दे के बनाया है। एक बार में जितना कबाब आ सके उतना आप डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के डालिए, क्योंकि फ्लिप करने में टूटता नहीं है। और एक साइड से हमें 1 से 1.5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है। एक साइड से अपनी कबाब हुई है कि नहीं, चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो एक पॉइंटेड फोक से या छोटा आपके पास स्पून हो उससे, चम्मच से ऐसे फ्लिप कीजिए। आप देख सकते हैं, एक साइड का अपना कड़ाड़ेदार कबाब हो चुका है। तो हम सभी कबाब को एक बार फ्लिप कर लेंगे।
अब हम दूसरे साइड से भी करारा होने तक स्लो फ्लेम पे इसे सेक लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। हमने दोनों साइड से उलट पलट के अपने कबाब को करारेदार कर दिया है। अब चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो हम एक एक कबाब को निकालेंगे। और ऐसे ही हम सभी कबाब तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया मटर का हरा भरा कबाब बनाना कितना आसान है। खाने में तो टेस्टी लगता ही है। आप चाहें तो इसे मॉर्निंग स्नैक्स में या टी टाइम में बनाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।